सब दूल्हे लोग आ गए, हम लोग लगता है इस्तकबाल हम ही करेंगे, हमने दूल्हे का। तो भाई बरात बाहर आई है और हॉल में सिर्फ हम लोग हैं। तो भाई फाइनली दुल्हन भी आ गई जी। बरात की एंट्रेंस हो रही है। अस्सलाम वालेकुम जी, जी वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। बहुत जल्दी करना है क्योंकि लेट हो रहे हैं। मैं बैठ के व्लॉग एडिट कर रहा था मेहंदी वाला और मेरे जहन में नहीं रात जुमा भी है, तो एकदम मैंने अजाने सुनी दैट्स द बेनिफिट ऑफ लिविंग इन पाकिस्तान। मेरे दिन से दिन ही भूल गया। तो अभी व्लॉग रहता है मेरा, बट फर्स्ट इज़ जुमा, तो मुझे जल्दी से कपड़े बदलने हैं क्योंकि 10 मिनट रह गए। 10 मिनट में जुमा हो जाना है उस मस्जिद में। तो दैट्स अ गुड न्यूज़ कि यहाँ पे 2-3 जगह जुमा होता है, 2-3 मस्जिदें। आई डोंट बिलीव इन दिस, जो भी मैं समझता हूँ सब मुसलमान हैं, सब मस्जिद अल्लाह का घर है, जिस मस्जिद में मर्जी पढ़ लो। तो खैर तैयार हो रहे हैं, आज बारात भी है, आज सब कुछ है, तो जल्दी से तैयार होते हैं। बारिश आज बहुत हुई है बट अल्लाह का शुक्र है इतना घर नहीं हुआ क्योंकि हमने ऊपर ये लगवा लिया था। तो कपड़े बदलो, कपड़े बदलो, जुमा पढ़ना है। तैयार व्यार हो गए जुमे के लिए, सलवार कमीज पहन ली है। बेनिफिट्स ऑफ लिविंग इन पाकिस्तान, एक मस्जिद में 1:25 पे हुआ है, एक मस्जिद में मैं गया हूँ वो कह रहे हैं 1:30 पे होगा, और जो तीसरी मस्जिद है उसमें वो कह रहे हैं 2 बजने में जब 15 मिनट रह जाएंगे, पौने दो होगा। तो हम जाएंगे 2:45 वाली में, रिलैक्स होगी, कोई मसला ही नहीं है। ये तो नहीं है ना, निकल जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, जुमा मुबारक, जुमा मुबारक। अल्लाह पाक इस जुमे के सदके हम सब पे अपना रहम और फजल और करम करे। अल्लाह पाक जो आजकल बारिशें हो रही हैं उनसे बचाए, और मतलब शेड तो लगवा दी, और कितना बचाएं आपको, मतलब और कितना बचाएं। गंदम की फसल नजर लग गई कल रात को, इतनी सोनी लग रही जी, छत का बचका निकाल लो अपना, नेडी सोनी मैं ही तो रह गई है, फूट पड़ी हमारी शिनोरीता। हमारी लड़ाई हो गई थी दोनों की एंड पे, फिर बीच में बचत क्या। अच्छा, इस बात से मैं हमेशा कहती हूँ कि मियाँ को हर हाल में बीवी के साथ खड़े होना चाहिए। उन्होंने इसकी इतनी की, उन्होंने कहा तू माँ की बात क्यों नहीं सुनी, तू सब दुनिया को छोड़, तेरी माँ ने जो कहा तेरे लिए वो होना चाहिए, बेशक वो गलत भी हो तेरी माँ, तूने वो ही करना है। कल वो एक्सीडेंट जब गाड़ी को आता, उस बात से हमारी लड़ाई होगी। नहीं मतलब मैं कहा बाज मर्द होते हैं ना, हाँ नहीं बेटे और बाप एक तरफ माओ को बेइज्जत। मैं इस मामले में शुक्र है अल्लाह का, खुशकिस्मत हूँ, बेटे भी बर्दाश्त कर लेते हैं और मियाँ भी। मेरे मियाँ ने हमेशा इनको यही कहा जो तुम्हारी माँ कहे वो ही होना है, और मैंने कभी गलत कहा भी नहीं, और मैं थी सही, इसने मुझे गलत सबके सामने किया था। मस्के नहीं लगा तू, चल इसने मुझे ना नहीं पता क्या हुआ। अम्मी कहती हैं जिस गाड़ी का एक्सीडेंट हो रहा है, अम्मी कहती हैं नहीं मैं उसमें बैठती हूँ तू जा, तो उस बात में मैंने कहा नहीं मैंने नहीं बैठना, आप नहीं बैठेंगे तो मैं भी नहीं बैठूंगा। मैंने कहा था और मंगा लो, मैंने इसमें नहीं अपने बेटे को लेकर बैठा, पर आप खुद बैठी थी। खैर चलो छोड़ो, खैर चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हमारी हम राजी हो गए थे। अब बारात है, आज आज बारात का दिन है, तो और आज इसने जुर्रत नहीं दिखानी किसी बात पे टीटा करने की। जनाब सर आंखों पे, सर हुक्म पे, सर आंखों पे, आप बोले होना भी सर आंखों पे ही चाहिए। नहीं देखो जी, मैं कहती हूँ जो भी हो बच्चों को, जो मैं सोचती हूँ ना बच्चे के लिए, वो दूसरा कोई दुनिया का कोई बंदा माँ से आगे नहीं सोचेगा, बाप और माँ। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं। अम्मी अपनी जगह ठीक थी, तुम अपनी जगह ठीक थे, रोला ये था, फिर हम दोनों को जरा सुलह बदर ने करवा दी। अजीम इंसान को सलाम, नहीं अजीम इंसान को सलाम। रात को मैंने खुद भी फिर कर ली थी। मेरा मियाँ माशाल्लाह बहुत अच्छा, अल्लाह उसे जिंदगी दे, सेहत दे, खुशियाँ दे उन्हें अल्लाह पाक। मैं अभी भी जेबी को यही कह रही कि अंकल ऊपर ना कुरान पाक पढ़ रहे थे, उनका इतना काम भी है, ये मैंने कहा वो बदर की तरह उन्होंने अल्लाह और दुनिया दोनों रखी है माशाल्लाह। तो अभी जुमे का टाइम हो गया, प्यारे हो सोने हो तुसी जाड़े हो पॉलर तैयार होना, आज ही होने, कल तो खुद ही हुई थी, वो भी वो बच्ची ने फिर करवा दी थी बुकिंग, तो मैं वो कह रही मैं इतनी देर नहीं बैठ सकती, तो मैं तो बैठने वाली चीज जब तक मैं वापस आऊँगा। अम्मी पॉलर के लिए निकल चुकी होंगी, चलते हैं हम जुमा पढ़ने, जुमा पढ़ लूँ फिर आप लोगों को मिलता हूँ। भाई बारिश ज़ोर ज़ोर से लगी रही है पूरा दिन, अभी भी गलियां सारी गीली हैं, अभी हम चलते हैं जुमा पढ़ने। और मिसाल बनी हुई है ना, घर में कोई बंदा आता है अगर उससे ना मिलना हो, बच्चे से कहते हैं जाओ ना, इससे कोई पापा घर नहीं है। भाई अभी अभी मैं जुमा पढ़ के वापस आया हूँ, भाई जो बारिश लगी हुई है बाहर, ये देखिए आप बाहर अच्छी खासी बारिश लग गई है, पालू वाली बारिश है। अल्लाह कह रहे रात को ना हो भाई, फंक्शन पे बारिश में जाना बहुत औखा होता रहता है। हो बट बहुत ज़्यादा बारिश है, पर मैं बच गया हूँ। फिर भी जैसे मैं घर एंटर हुआ बहुत तेज़ बारिश शुरू होगी। A few moments later. ओके भाई, अभी अभी दो मसले निकले हैं। पहला मसला नंबर 1, जो कपड़े मैंने आज पहने हैं वो नवीद भाई के पास हैं, वो मैं ले के नहीं आया। मैं सारे कपड़े ले आया था, बस शलवार कमीज नहीं लेके आया था। तो आई नीड टू गो एंड पिक दैट अप। अभी नवीद भाई को आज शॉप खुलवाई है, क्योंकि आज उनकी शॉप बंद थी, जुमा था, बट मैं शॉप खुलवाई है। भाई ने कहा भाई कपड़े चाहिए। और दूसरी बात, अम्मी को आज मैंने देना है ये ब्लैक वाली, अम्मी वाले के साथ ये ब्लू लगी हुई थी, अच्छी नहीं लग रही। तो अपने लिए मुझे बाहर से कोई भी नॉर्मल से भी पकड़ लेता हूँ, मुझे कहीं से भी मिले वो पकड़ लूँ, क्योंकि अम्मी के सूट के साथ आज ब्लैक जाएगी। तो मैं देखता हूँ कौन सी पकड़ता हूँ, कोई बाहर से पकड़ लेता हूँ। तो वो करना है, ये दो काम करने हैं। फिर उसके बाद अम्मी को वापस, अम्मी आएंगी तो उनके साथ मुझे तैयार होकर निकलने वाली करनी है। तो चलो भाई, चलो 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 चलो, बहुत लेट हो रहा है भाई। बाहर बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही, और छतरी मुझे लेनी पड़ेगी, क्योंकि घर में कोई छतरी पड़ी भी कोई नहीं। जैसे कहीं से छतरी मैंने 1-2 बार गुजरते हुए देखी है, इनके पास लगी होती है। भाई छतरी देखते हैं यहाँ से, अगर कोई छतरी मिल जाए। ये लगी हुई तो है एक छतरी, छतरी तो हमने ले लिया भाई यहाँ से। हमने छतरी भी ले ली और घड़ी का एक बैंड भी ले लिया। अब चलते हैं भाई अपने कपड़े उठाने। अच्छा, मैंने छतरी इसलिए नहीं ली कि अभी बारिश लगी है, कि मैं इन केस अगर रात को भी लगी हुई ना, तुम्हारे घर में छतरी नहीं है, इसलिए मैंने कहा कि छतरी ले लेते हैं। रात को कपड़े कम वाले थोड़े होंगे, तो ये ना होगा बाहर आने तक गीले हो जाए। तो अभी नवीद भाई देखते हैं, कॉल आई है उनकी, वो स्पेशल आई है हमारे लिए। चलो भाई, ये को भाई आधा शटर डाउन है, आधा ऊपर है। नवीद भाई ने स्पेशल दुकान खोल करने का जी, आज छुट्टी वाले दिन भी ये घूमने गए हुए थे, मुझे बता रहे थे अभी घूमने गए हुए थे। नहीं आपकी मोहब्बत। ये देखें जी, ये दो थे, ये मैंने आज पहनना था, ये ब्लैक वाला। ये नहीं पड़ा है ना मेरे जहन में रहा है, ना आपके जहन में रहा है। मैं सुबह उठा, मैं कपड़े निकालूँ अपने, कोई आज जो पहने, मैं कपड़े कोई नहीं, मैं बैग सारे देखे, फिर मैं क्या ये काम उधर ही है लगता है। शुक्र करें मैं कोई आउट ऑफ स्टेशन भी नहीं था, फिर पीछे ताले ही तोड़ने पड़ते हैं। ताला भी दूसरा लगा हुआ है, टूटता नहीं है, नहीं टूटता। चलो पता, जिसको कोई इरादा था पता लग गया। यार अभी भी बारिश हल्की हल्की लगी हुई है, तो बस अब ये लेके घर चलते हैं, फिर उधर से हॉल की तरफ अम्मी को पिक करना है, फिर हॉल। ओके गाइज, अम्मी इज़ ऑलमोस्ट वापस आ रही हैं, आ चुकी हैं अम्मी रास्ते में। तो मैंने अपनी तैयारी कर ली, कपड़े इस्त्री कर लिए, कपड़े तैयार कर दिए, और व्लॉग एडिट हो गया, व्लॉग अपलोडिंग पर लगा हुआ है। तो बस अब निकलने वाली करनी है, अम्मी आ जाएं तो निकलते हैं, लेट हो रहे हैं काफ़ी। A few moments later. मैं हो गया तैयार, अम्मी अभी तक आई नहीं है। अम्मी ऑलमोस्ट बस 5-10 मिनट तक आने वाली है। मेरे पास इसके ऊपर मैंने कोट पहनना है, एंड वो वाले जूते पहनने हैं, और फाइनल लुक मैं आप लोगों को दिखाता हूँ अपनी क्या बनती है। बट अम्मी नहीं आई, लेट हो रहे हैं हम बहुत ज़्यादा। अम्मा भाई मसलों पे मसले हो रहे हैं। मैं तैयार हो गया हूँ, अम्मी अभी आई हैं। जो अम्मी ने सूट डिसाइड किया हुआ था उसके कुछ पार्ट मिसिंग हैं सूट के, वो कोई दुपट्टा पता नहीं किधर चला गया, मिल ही नहीं रहा। तो अब रोला ही है कि अम्मी अब सूट चेंज कर रही हैं, अब कोई और सूट पहन रही है। ये बारात वाला दिन इतना हैक्टिक क्यों होता है? गाड़ी बाहर खड़ी हुई है, बट चलो कोई नहीं, कोई देखते हैं, हो जाएगा। मैं तैयार हो गया, मैं कैसा लग रहा हूँ? भाई हम तैयार हो गए। अम्मी जी आपने तैयार होना है, नहीं होना? हो तैयार होना है यार, श्योर माशाल्लाह यार। वो अलग बात है जो सूट आज पहना था वो अम्मी पहन नहीं सकी, उसका दुपट्टा का इशू हो गया। दुपट्टा वो गया था प्रेस के लिए, तो आया ही नहीं। तो मैंने उसी तरह शर्ट पहन ली थी, मैंने मेकअप करवा लिया, मैंने कहा चलो ठीक है, फिर अब मैंने ये पहना है, अच्छी लग रही, पर इसमें भी प्यारी लग रही है माशाल्लाह। लेकिन वो मूड खराब हो जाता है ना सारा, जो भी प्लान के हिसाब से नहीं हुआ भाई माशाल्लाह। किचन में दिखा रहे हैं, क्योंकि घर हमने बंद कर दिए। ये मेरी फुल लुक है भाई, ठीक है। ये भी तो प्यारा लग रहा है, मेरी सारा मेरा घर रखा हुआ है ना, यहाँ भी प्यारी लग रही है। चलो भाई चलो, निकलो निकलो निकलो, लेट हो गए, आगे बहुत ज़्यादा लेट हो। सबसे पहले हम घर से, माँ बेटा और अंकल आंटी हैं साथ, सबसे पहले हम मार्केट में पहुँचे हैं। मेरे तो भाई हैं और भाभी हैं, लेकिन जमाल के अंकल आंटी हैं, हम चारों पहले पहुँच गए हैं। वो ये उस्मा आंटी और उनके हस्बैंड, हम इकट्ठे आए हैं। ये जी उस्मा आंटी, आप लोगों ने कहा था उस्मा आंटी दिखाएं कौन सी हैं। नहीं मंगल तो देखा हुआ है ना अफ्तारी में, नहीं भाई को तो आपने देखा हुआ है ना। सब दूल्हे लोग आ गए, हम लोग लगता है इस्तकबाल हम ही करेंगे, हमने दूल्हे का इस्तकबाल करना। किसका है? उनका ही बरात। चलो भाई हम लोग आए हैं, और अभी हॉल में कोई भी नहीं है, तो भाई बरात बाहर आई हुई है और हॉल में सिर्फ हम लोग हैं, हमें और एक मतलब एक और फैमिली है बस। ये देखें सारा हॉल अभी खाली पड़ा है। बरात को मैंने बोला 20-25 मिनट रुक जाओ, वो बैंड बजाने लगे तो जमाल कहते हैं अभी रुको रुको। अम्मी जी वैसे मैं तो कहता हूँ देखें हॉल भी तैयार है, बरात भी नहीं आई, मैं अपनी ना किसी के साथ कर लूँ शादी। किसी के साथ क्या, रास्ते में पड़ी है, किसी के साथ हो जाएगी भाई, इतनी जल्दी शादियाँ नहीं होती। चलो कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा, वैसे अबू को बुलाना पड़ेगा, कैश लगाना पड़ेगा। फोटो शूट हमने करा लिया, मैं कहा बस दो को बंदे हैं ज़रा दिखा दे जाए। अभी और कोई भी नहीं आया है, हम लोग पहले आ गए, हमारी एंट्री पहले हो गई, थोड़ी आए हैं वो लोग पहुँचे। ज़रा बाहर जाके देखते हैं क्या अपडेट है, ज़रा पहले अपने आप को देख लें शीशे में। नाइस, अच्छा लग रहा लड़का, वैसे क्या कहते हो आप लोग? हैं अब देखो जरा फ्लैश बंद करके, मतलब नाइस यार जमाल, नाइस कॉम्बो। भाई सारे अभी बाहर खड़े हुए, ढोल वाले भी बेचारे। पता नहीं ये किस पे जाएगा यार, वो कह रहे हैं कि हम लोग पहुंच गए, वो लोग नहीं पहुंचे जिनने हमें वेलकम करना है, बट कोई नहीं आ जाएंगे आ जाएंगे, 5-10 मिनट और आ रहे हैं। तो भाई फाइनली दुल्हन भी आ गई। बरात का वेलकम करने के लिए पहुंच गए जी, बरात का वेलकम करने के लिए। अल्लाह का शुक्र है खैर खैरियत से बारात आ गई। जरा दुल्हन की अपडेट लेते हैं जी। आज हम ब्राइड के साथ हैं, आज बारात का दिन, आप सब लोग भी दुआ देना, अल्लाह पाक नसीब अच्छे करे और कामयाब ज़िंदगी गुजारें। सब लोग कमेंट्स में ना ये बच्ची को दुआ देना और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा। बारात आगे ना बस सब दुल्हन को भूलना चाहिए। हाँ हमने कहा दुल्हन को भूले ना, हम दुल्हन के साथ हैं। बड़ा बात है, दुल्हन चाहिए ना बोल सकती है, ना हंस सकती है, ना कुछ कर सकती है। तुम उसे हंसाने की कोशिश ना करो वो ठीक है। चलो भाई अब लोग सारे ऑलमोस्ट आ गए, हॉल फुल हो चुके हैं। मैं निकाह के डिब्बे आ गए, इसमें जो कुछ होता है क्या, एक चॉकलेट है, ये भी है, सारा कुछ है। अभी हम बैठे हैं और बारात आ चुकी है। भाई दोनों बहनों ने मैचिंग की है। मैचिंग हो गया है, मैं क्या दिखा रहे, दोनों बहनों ने मैचिंग की हुई है ना दोनों ने, तो इसलिए जो है ना कि मैंने कहा पता चले ना दोनों बहनें मैचिंग होगी तो। आज मेरा आंटी थोड़ी परेशान है, टेंशन नहीं लेनी, घर से हमने पंप करके लाए हैं, रोना नहीं है। मेरी बहन मेरे, मैं घर से वादा लेके आई, मैंने कहा ना आपने रोना है ना नसीम भाई ने रोना है। शुक्र करें अल्लाह पाक ने आपका फर्ज अदा किया है और इतना अच्छा हो गया सारा कुछ, टेंशन नहीं लेनी। लेकिन जो चलती भी आ रही है वो आ रही है मैडम, वो मेरी मैडम है, ये मैडम गार्ड लेके साथ घूमती है। मैं नहीं मैडम, ये कोई नहीं पकड़ता, ये मेरी बेटी है और ये मेरी आंटी है। हाँ स्पेशल स्पेस आई है हमारे लिए। थैंक यू सो मच। नहीं थैंक यू सो मच। कोई मसला नहीं जमाल, थैंक यू सो मच। सो मच जमाल, आप हमारी शादी में आए हैं, ये अच्छी बात। आप भी दोनों आ जाए। थैंक यू सो मच। सारे इकट्ठे आ जाए। आप इस तरफ आए। नहीं नहीं थैंक यू। मेरी ब्राइड की सारी फैमिली आ गई, पूरी फैमिली की है। ये भी ब्राइड की फैमिली है, हम भी ब्राइड की फैमिली में ही आते हैं। नहीं कोई मसला। बहुत बहुत थैंक यू। नहीं थैंक यू इस बात का। खाला से भी बढ़ के हमारे आंटी के लिए भी तो आप लोग बढ़ गए तो इसलिए आएंगे ना आंटी। ये भी है लो भाई, ब्राइड की एंट्रेंस हो गई। बेटा पीछे हो जाए। यहाँ पे सारे पुराने मोहल्ले की रियूनियन हो रही है। ये जो है ना मेरे से पहले शादी होके आई थी। अच्छा। हाँ ये मेरे से पहले शादी होके मैं इनके बाद आई। ये सारे तो बाद के बच्चे हैं। तो इनका इंट्रोडक्शन देना। ये सुभान है, ये उस्मा आंटी का बेटा है। उस्मा आंटी का बेटा जो कल सारे कह रहे उस्मा आंटी को नहीं दिखा रहे, उस्मा आंटी को नहीं। ये उनका बेटा है, छोटा वाला, इससे बड़ा भी है, ये उससे भी छोटा फैजान है। इसलिए आज हम काफ़ी टाइम बाद मिले हैं, सारे बातें कर रहे हैं अपने पहले टाइम की बातें कर रहे हैं। हमेशा भी मुझे कोई टाइम नहीं दे रही है। नहीं मुझे भी कहा इधर आ जाओ। तो भाई दूल्हे की एंट्रेंस हो रही है। चलो भाई रुखसती टाइम इवेंट सारा ख़त्म हो गया, सारी रुखसती होगी, सब हो गया। अब हम लोग बस जा रहे हैं घर की तरफ। तो सब गाड़ियाँ ऑलमोस्ट जा चुकी हैं, बस अब हम भी निकलते हैं घर की तरफ। ओके भाई थक वुक गए भाई। आई इवेंट ख़त्म हुआ है आज का बारात का। टायर्ड मैन। मामू आपके मैसेज भी आए हैं। मैसेज आए हैं, आपके मैसेज आए हैं। ये सुनो क्या लिखे, 3 मैसेज है। कब आप कब आएंगे? दोबारा बोलो। फ्रेंड आ जाओ। चलो भाई चलो, सुबह गाड़ी चलाओ। नहीं आ रही थी, सुबह की गाड़ी कराओ भाई। आयत ने बुलाया, कैसे ना जाए। फ्रेंड आ जाओ, तुझे कह रही थी ना मैं आपकी फ्रेंड हूँ, मैं आपकी फ्रेंड हूँ। ये बात तो सुन के मैं तो एक मिनट ना रुकूं। वही ना आयत कह रही फ्रेंड आ जाओ। मुझे भी उधर समझ नहीं आई मैसेज भी, मैंने अभी सुना। मैंने कहा अच्छा मामू को कह रही है, जेबी मामू को मुझे कह रही है फ्रेंड आ जाओ। बस ठीक है मैं चल रहा हूँ। आयत अगर मुझे पता है आप व्लॉग देख रही होगी, देख रही हो ना, बस आ रहा हूँ। देखते हैं अम्मा को कह के देखते हैं। तो गाइस बहुत थक चुके हैं बट बहुत अच्छा दिन गुजर गया। सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया। हमारी बहन की रुखसती भी हो गई। अल्लाह उसको उसके नसीब अच्छे करे, खुशियाँ दे उसको, खुश रहे हमेशा वो। तो अपना सब बहुत सारा ख्याल रखो। अब इस ब्लॉग को एंड करने का टाइम आ गया। लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फ्रेंड्स में फैमिली में वीडियो को शेयर कर दो। आप सबके प्यार मोहब्बत दिखाने का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। हम आपको मिलेंगे कल एक नए ब्लॉग के साथ, रोज़ की तरह, विदाउट मिसिंग अ डे, 3 months माशाल्लाह। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।